नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हमारे प्लांट्स में एफिड्स, मिली बग्स, बहुत सारे लीफ माइनर इंसेक्ट लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, कलियाँ खिल नहीं पाती हैं। तो मेरे प्लांट्स में भी यही हो रहा है, बहुत दिनों से मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो आज मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए, आपको भी हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल मैं होममेड बनाने वाली हूँ, और अगर आप इसका यूज एक बार कर लेते हैं तो जल्दी से आने वाले नहीं है, 2-3 यूज में ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लांट दिखा देती हूँ जिसमें बुरी तरह एफिड्स ने अटैक किया हुआ है। तो हिंदी में देखिए इन्हें माहू कहते हैं। ये देखिए ये बारीक कीड़े, तो ये जल्दी से प्लांट को पनपने ही नहीं देते हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरह लगे हुए हैं, ये कुछ मेरे हाथ में भी आ गए हैं। तो ये गुलदाउदी के प्लांट में ज़्यादातर मेरे उसमें अटैक किया हुआ है मेरे यहाँ पर। तो ये देखिए कितनी बुरी तरह ये हुए हैं, और सभी प्लांट्स में है। तो आज इनका सोल्यूशन मैं करने वाली हूँ। ये देखिए, तो चलिए अब हम अपना होममेड पेस्टिसाइड बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये देखिए स्प्रे बॉटल ली है, कॉलिन की बॉटल है, तो इसका यूज हम करेंगे स्प्रे के लिए। और इसमें मैंने 1 लीटर पानी भर लिया है, और इसके अलावा देखिए हम इसमें डालेंगे ये खाने वाला सिरका है, वेनेगर, अक्सर हम यूज करते हैं इसे, तो इसको हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच। आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, पर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ उसे। और इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे डिटॉल। तो बहुत ही बढ़िया हमारा इंसेक्टिसाइड बनने वाला है। तो डिटॉल को सिर्फ 2 बूंद डालना है, इससे ज़्यादा आप ना डालें। फेरी नो नो बच्चे नो 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 नो। और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसके अंदर आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी जो होती है इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का काम करती है, तो बिल्कुल लो कॉस्ट है, घर की बनी चीज़ों से बना हुआ है। तो दोस्तों इसका स्प्रे जब हम करेंगे तो आपको 2-3 बार स्प्रे करना है, एक बार से नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक बार यूज करने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए हम लाइव देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा इसका। तो दोस्तों ये देखिए कितना भयंकर इसमें है, तो आप इसको अच्छे से स्प्रे करें। तो मैं आपको अभी आधे घंटे में ही इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो पूरे प्लांट में कर रही हूँ, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप बेहिचक कर दीजिए। और ये मेलीबग्स और एफिड्स हटाने का एक और तरीका है, जैसे कि आप पानी डालते हैं प्लांट में तो इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिए। तो मैं सभी प्लांट में डालने वाली हूँ अच्छे तरीके से। और ये एफिड्स गुलाब में भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से करना है, पत्तियों के नीचे, ऊपर, और हो सके तो हाथ से भी हटा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ग्लव्स पहन लीजिए। तो ये देखिए इस प्लांट में देखिए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है इन्होंने। तो दोस्तों देखिए आधे घंटे बाद का है ये रिज़ल्ट। देखिए एकदम से तो जाने वाले नहीं हैं, आपको भी पता है, कम से कम 2-3 बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है प्लांट पर। ये देखिए अगर हम पानी से ऐसे ही वॉश करते हैं तो जाते नहीं हैं, फिर से आ जाते हैं। और ये जो हमने इंसेक्टिसाइड बनाया, अगर आप इसका यूज करेंगे तो जल्दी से आने वाले नहीं हैं, और 2-3 बार में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपने 1 दिन इसका स्प्रे कर दिया, इसके बाद आपको 2 दिन बाद करना है, तीसरे दिन यानी कि स्प्रे करना है, इससे कोई आपके प्लांट को नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो देखिए काले काले हो गए थे बिल्कुल, तो अभी अच्छे से खिलेंगे, अच्छे से हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ये देखिए,
और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे पानी से पहले वॉश कर लीजिए, प्लांट को हटा दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके बाद इंसेक्टिसाइड का यूज करें तो उससे भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।